नमो राघव जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम। रामचरितमानस भावार्थ बोधिनी, यह हम अपने जगत गुरु जी की चित्रकूट पीठाधीश्वर की पढ़ते हैं। आप सबको जैसी भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। नमो राघवाय प्रसंग चलने वाला है राम वन गमन का। अपने चलत न आज लगे अनबल काहु के कीन, के अगए कहो बार मोए देव दुसे दुख दीन। और जैसे ही बार बार मंत्र आने का, किसी व्यक्ति को यदि आप गलत राह दिखाना चाहते हो तो आप उसको बार बार कहो, और जब बार बार कही तो मंत्र आके भी बात के कही के दिमाग में बैठ गई। नर जन्म भरव भरु जाई जियतन करब सपति सेवकाई, अरे बस देव जी आवत चाही मरण नी कतही जीवन चाही जीवन चाही। दीन वचन कहें बहु देरानी सुन कोवरी तिय माया ठानी, असक अवकस कहऊ मान मनऊ ना सुख सुहाग तुम कै देन दूना। क्या था जब रानी ने बहुत प्रकार से दीनता पूर्व वचन कहे तब कुंवर वाली मंत्रा ने गवार अवसरवादी स्त्री की माया कपट वंचना प्रारंभ की और बोली, अपने मन को कौंसला की अपेक्षा अल्प मान कर आप इस प्रकार की निराश पूर्ण वचन क्यों कह रही हैं? आपके लिए सुख और सौभाग्य तो दिन दून और रात चौगुना है। ऐसी के मंत्रा बात के कैसे करने लगी। जय राओ रति अनबलता का सोई पाई है पल पर पाका, जब ते कुमत सुना में स्वामिनी फूकन बासर नींद न जामिनी, पूछ गुनी रे कतिन कांची भरत बोआल होए सांची, पामिन कराओ तो कौ पायु मैं तुम्हारी सेवा बस राहू। और कहने लगी कि तुम्हारी सेवा के बस में राहू है, इसलिए आप एक कार्य करो पराउ कूप तुए बचन पर सकाओ पूत पति त्याग, कैसे मोर दुख देख बड़े ससन करब इतलाग, कुबरी करे कुबली के कही कपट चुरी और पाहन टेई, लखन रानी निकट दुख कैसे चराए हरे तत्र न बल पशु जैसे। और कहा तुमको भवन में चले जाओ। जब बार बार ऐसे कपट भरे शब्द कहे तो रानी के दिमाग में वह घर कर गए। सुनत बात मृदो अंत कटोरी देते मनाऊ मधु माहो रघोरी, कहे चेरे सुजी आई कि नाही स्वामिन कहे कथा मोहे पाई, दोहे वरदान भूपसन था थी मांगुआ जो जोड़ा बहु जाती। और कहने लगी तुम्हारे दो वरदान भूप पर जो उधार है
अपने तुम मांग लो। ऐसी ऐसी बात मंथरा के कई के कान में भरने लगी। सोताए राज राम बनवासु ले हो दे हो ले हो सपत सपत हो लासु। अपनी सौतनों का आनंद छीन लीजिए और आप अपने पुत्र के लिए राज्य मांग लो और राम के लिए वनवास मांग लो, दो वरदान मांग लो। ऐसी मंथरा के कई से बात कहने लगी। भूपति राम सपत जब करई तब मांगे जहीं बचन न करई। ओए अकाजो आज निस बीते बचन मोर प्रिय मानव जीते बचन मोर प्रिय मानव जीते। और क्या कह रही है कि भूपत से पहले कसम ले लेना, ऐसे मत कह देना, कसम कह ले करके तभी यह सारा कार्य करना। चतुर लोग जो अपने आप को चतुर समझते हैं वो किसी का घर भले ही बिगड़ जाए लेकिन उस व्यक्ति की बुद्धि में सब और ही बातें जितनी होती हैं सब गलत भर देते हैं। ओ वरी रानी प्राण प्रिय जानी बार बार बोधानी तो समय तन मोर संसार बड़े जात कर भय से अधारा जो विद पुरब मनोरथ काली करा तो चके पोतर आली बहु विद चेरिए आदर देही को पवन गवनी के कही। और के कही ने क्या किया, बड़ा आदर दिया बड़ी तैसी मान करके के कई मैया माँ चली गई कोप भवन में चली गई। इसीलिए सब कुछ बनता है घर में मगर कोप भवन नहीं बनता है। जब से राम वनवास की जब से बात हुई बानी पहले राजा महाराजाओं के यहाँ एक कोप भवन भी बनता था, जब से कोप भवन बंद हो गए और आज तक किसी ने केकई नाम नहीं रखा, मंथरा नाम नहीं रखा। बुरी चीज कितनी भी चतुर हो जाए लेकिन समय रहते उसका अस्तित्व खत्म हो ही जाता है। हालांकि विद्वानों ने सब ये भगवान राम की भी इच्छा थी और केकई अधिक स्नेह करती थी भगवान राम से, इस कारण अधिक स्नेह करने के कारण केकई चाहती थी कि मेरे जब राम राज सिंहासन पर बैठे तो राम चंद्र नहीं बैठे, राम राज्य यानी राम राजा बने, ये रामचंद्र हैं जो छोटे भो नहीं बैठे। और जब व्यक्ति तप लेता है अधिक तप जाता है उसी अनुसार वह उतना बड़ा व्यक्ति बन जाता है। जितनी जीवन में कठिनाइयां होती हैं वही व्यक्ति आगे चल के बहुत आगे जाता है, जिसके जीवन में कठिनाई नहीं आती है वो व्यक्ति उतना ऊंचे पद पर नहीं जाता, कठिन परिश्रम से कठिन मेहनत से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। विपति बीज बरसारे तो ते चेरी हुई वही कुमत से कई तेरी पाए कपट जल अंकुर जामा बर दो दल दो कपल परिणामा फल पर। यहाँ विपत्ति ही बीज है और दासी मंत्रा ही बरसा है, एक एक की कुबत्ती ही भूमि बन गई, उसमें कपट का जल पाकर वह अंकुर जमाया जिसके छोटे छोटे दल अर्थात पत्ते के समान बने, दोनों वरदान और परिणाम के आने वाले दुख इसका फल बन गया। अर्थात जैसे वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर पड़ा हुआ बीज जल की सहायता से दो दलों के साथ अंकुरित होकर फल उत्पन्न करता है, उसी प्रकार मंथरा की प्रेरणा से केकई की कुबुद्धि विपत्ति वचन हुआ जो भी वरदान रूप दलों के साथ अंकुरित होकर कपट जल की सहायता से ही दुख रूप फल का परिणाम बन गया। ये हुआ ओप समाज साज सब सोई राज करत निज कुमति बिगोई
चाल है कछु जानन कोई। अब तो जैसे के कई कोपवन में गई, राजा के महल में कोलाहल होने लगा। प्रभु दिते पुर नर नारी सब सजाई सुमंगल चार, एक प्रभु से कने रगाए वीर भूप दरबार। अब तो सुबह रात लग के कारण सभी राजा दशरथ के दरवाजे पर आ करके कई लोग इकट्ठे हो गए और भूपत के द्वार पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। बाल सखा सुने ही रसाई, मिले दस पांच रामा पहचानी। प्रभु आदर प्रेम पहचानी, पूछे कुशल क्षेम मृदवानी। जो भगवान के बचपन के मित्र थे वो बार बार भगवान राम से मिलने के लिए जा रहे थे और उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन भगवान राम उनका प्रेम समझ करके बार बार उनकी कुशल क्षेम मंगल पूछ लेते थे। कहते थे सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, ऐसे सखाओं से बात कर लेते थे। फिराए भवन प्रभु आयो सपाई, करत परस्पर राम बड़ाई। और वे मित्र भी भगवान राम का स्वभाव जान करके परस्पर बड़ाई करते थे। जो रघुबीर सर संसारा, सिल सने बहने आरा। हे भगवान, हे राम, आपके समान कौन सिलवान है जिसका हम वर्णन करें, और कौन इतनी मित्रता निभाता है, ऐसे बार बार भवन की तारीफ करते थे। जय जय जो निकरम बस ब्रह्माई, तय तई सदे हो अमाई। सेवकम स्वामी सियनाऊ, कोई ताताय और निवाओ। असय विलास नगर सब पाऊ, के कई सुता है दयत जाऊ। को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मत चतुराई। संगत ऐसी होती है कि उसका रंगत चढ़ ही जाता है, और इंसान पे तो बहुत जल्दी रंग चढ़ता है। यहाँ तक कि जैसे हम इन पौधों का उदाहरण दे दें, यदि एक गुलाब रेड कलर का हो, एक हो वाइट कलर का, अलग अलग कलम मिला करके नहीं, जो मिला करके और कलम बनाई जाती वो कलम नहीं, सिर्फ एक गमले में दो लगा दो तो वह पिंक बन जाता है। यह है रंगत का असर, संगत का असर रंग बन के समय रहते हुए चढ़ ही जाता है। और क्या था, जय 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 जो निकरम बस ब्रह्माई, तय हमाई। सेवक हम स्वामी सियनाऊ, होय ताताय और निभाओ। होय ताताय और निभाओ। असय विलास नगर सब काऊ, के कई सुताय दयति दाऊ। को न को संगति पाए न साई, रहिए न नीच मत चतुराई। सांझ समय सानंदन पे गए के कई गे, गमन निटुरता निकट किए जन दर दे असने। शाम हुई तो राजा दशरथ के कई के महल की ओर चल दिए। क्यों गए, के ये खुशखबरी हम केकई को सुनाएंगे। राजा केकई बहुत सुंदर रानी थी, और वैसे भी ये उन्हें ये पता था राजा दशरथ को कि केकई राम से अधिक प्रेम करती हैं। राजा दशरथ भी केकई से अधिक प्रेम करते थे, तो उन्होंने सोचा ये समाचार हम केकई को सुनाएंगे। इसलिए राजा दशरथ गए थे। लोग तो न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। ओ पवन सुने सकुचे उराऊ, दैवस अगुण पर न पाऊ।
जब राजा को पता लगा कि रानी कोपवन में सो रही है तो भय के कारण राजा पांव आगे नहीं रख पा रहे थे। यहाँ भी हम कुछ शिक्षा ले सकते हैं। क्या शिक्षा ले सकते हैं कि जब कोई पता लगे कि वह क्रोध में लेटा हुआ है तो वैसे यहाँ हम अपने भावों की वैसे कह रहे हैं उस जगह पे मत जाओ, उस समय वो क्रोध में उस समय पे मत जाओ, लेकिन समय रहते उसका क्रोध ठंडा पड़ जाए जब जाओ। लेकिन होना हारे भवितव्य पिता जैसा होना होगा वो तो होके रहेगा ही। सुरपति बसाए बाहुबल जाके नरपति सकें रहे रूप ताके, सो सुनती अरे सगय सुकाई देखे काम प्रताप बढ़ाई, सूल कुल से अगवन आरे तेर तिनात सुमन सर मारे, सुमन सर मारे समय नरेश प्रियाप गए हूँ देखी दशा दुख दारुन भये हूँ, पट मोट पुराना दिए डारे तन भूषण नाना, कुमती कसी कुवेशता पावी अन आए बात सुच जन भावी, जाए न कटत पकाए मृदो वाणी प्राण प्रिया कहे तुर सानी। और क्या हुआ क्या जब राजा जा रहे थे लेकर उनका भी केकई को सुन के खूब भवन में तो राजा के भी पांव लड़खड़ा रहे थे, कह रहे इतनी खुशी के टाइम पे केकई खूब भवन में क्यों है। लेकिन फिर भी राजा केकई के पास पहुंचे क्या देखा, बड़ी दुखी देखा केकई को, वस्त्र आभूषणों का त्याग देखा, जो सौभाग्य सूचक चिन्ह थे वो भी रानी ने फेंक रखे थे। यह देख करके राजा दशरथ बोले केकई से हे रानी इतनी ज्यादा क्रोध में तुम क्यों हो, ऐसा राजा दशरथ केकई जी से पूछने लगे। कहीं हे तुरा कहीं हे तुरा निरसानी परस तपात निपति ने वारी मानो सरो सब गवान निमा सबात ने आरई दो बास नारस नाद सन भर मर मटाओर ए कहीं तुलसी न पति भव तब तावस काम को तो पहले कहीं सब काम को तो पहले कहीं बार बार कह राव सुमुखी सिलो चनी पिक बचनी कारण मो सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। हे गजगामिनी मुझे बताओ किस कारण से तुम्हें इतना क्रोध आ रहा है, मुझे तो बताओ। ऐसे राजा दशरथ जी बार बार के कैसे पूछने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ अनहित तोर प्रिया कहीं कीना कहीं दो सेरा कहीं जम चलीना कहो के रंग कहीं करहु नरेसु कहो के न पाने का सोजेसु। कौन जमपुर के लिए जाना चाहता है, किस राजा को राज्य से निकाल दूं, किस राजा को रंग कर दूं, किसको गरीब कर दूं, अरे बताओ तो सही रानी। ऐसा कह रहे थे राजा दशरथ के कई से सकाओ तोर रे अमरौ मारी काकी तब पुरे नर नारी जानस मोर स्वभाव बरोरु मन तब आपन चंद्र चकोरु प्रिया प्राण सुत सरबस मोरे पर जन प्रजा सकल बस तोरे जो कछु कपट कर तोई बामिन राम सपत सत मोई सपत
सतम होई। बियसी मांगो मन बाबत भाता, भूषण साजु मनो अर गाता। गरी कु गरी समझे जिया देखू, देगी प्रिया परे हरे ओ को बेसु। यह सुन मन गुने सपत बड़ी, बियसी उठी मति मंद। भूषण सजत बिलो की मृगा, मनऊ की रात निपंद। कोने कहे राओ सुदे जिय जानी, प्रेम फूल के मधु मान जो लभानी। कामिनी भयउ तोर मन भावा, कर गर नगर आनंद बधावा। राम ही दे काले जुवराजू, सुजस सलोचन मंगल साजू। तल के उठे सुनी हृदय कठोरु, जनु छुए गए उपाक बर तोरु। जैसे ही राजा दशरथ ने कहा, किस कारण खोप भवन में लेटी हुई हो? पूरे अयोध्या में खुशहाल मंगल गीत गाए जा रहे हैं और कल राजा राम राजा भर रहे हैं। जैसे ही कहा कि तुरंत के कई को बहुत एकदम मन में जैसे किसी ने वज्राघात कर दिया हो, ऐसा के कई जी को लगने लगा। और हृदय कठोरु दलक उठे उसने हृदय कठोरु, जन चुई गई पाक भर तोरु। ऐसे पीर बियस ते गोई, चोर नार जिमे प्रगट न रोई। यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे भयंकर पीड़ा को केकई ने हंसकर छिपा लिया और चोर की नारी चोरी करने वाले को स्त्री के समान वह प्रकट करने नहीं रोक सकी। लकाई न भूप कपट चतुराई, कोटे कोटे न महगुरु पढ़ाई। और दशरथ जी उसका चेहरा कैसा हुआ इस बात को सुनकर ये दशरथ जी नहीं पढ़ पाए, क्योंकि मंथरा जैसी गुरु ने सिखा रखा था, इसलिए केकई की बात को नहीं पहचान पाए। यद्यपि नीति निपुण नर नाऊ, नार चरित जनन जे अबगाओ। कपट सने बड़ाई बहोरी, बोली बियसि नयन मुख मोरी। मांगो मांगो केकई उपिया, कवहु न देउ न ले। सज्जन कहते रहते हो देंगे देंगे देंगे, लेकिन आप देते नहीं है। दो वरदान देने के लिए कहे थे, वह भी हमें पाने पे संदेह है, ऐसा केकई बार बार कह रही थी। ऐसी बातें सुनकर राजा दशरथ जी क्या बोले, वह भी आगे प्रसंग में आप सुनो। आपको हम आगे ब्लॉक में डालेंगे इसे आगे का प्रसंग, क्योंकि ब्लॉक पूरा हो गया है। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। हनुमान जी महाराज की कथा है, शिवजी ने गाई है, याज्ञवल्क जी और भरद्वाज जी का प्रसंग है, यह सब हमारे जीवन को बदलने वाली रामचरितमानस, इसके श्रवण करने से सभी का कल्याण ही कल्याण है। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम।